हेलो, टुडेज आर टॉपिक ऑन कोरोना आफ्टर एंड बिफोर रिकवरी प्रिकॉशंस सोर्सेस एंड दीज सोर्सेस आर फ्रॉम द WHO। आपको आज हम आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना के बारे में हम कुछ बताएंगे। जैसे वेंटिलेटर वगैरह पे पेशेंट है तो उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या फिर घर पे पेशेंट है उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उनको, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो आप एंड तक बने रहिए। मैनेजिंग प्रॉब्लम विद योर वॉइस। कई लोगों को क्या है कि आवाज़ में दिक्कत होने लगती है। अपनी आवाज़ की जो समस्याएं हैं उनका प्रबंधन कैसे करें। कुछ समय के बाद लोगों को, जैसे जो वेंटिलेटर पे होते हैं, उनकी आवाज़ में उनको कठिनाई महसूस होने लगती है। सांस की जो नली रहती है, क्योंकि वो पहले तो वेंटिलेटर पे हैं तो ब्रीदिंग ट्यूब रहती है उनके लिए। यदि अब आपकी आवाज़ कर्कश या कमज़ोर है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको सहायक रहेंगी। कीप टॉकिंग व्हेन इट इज़ कंफर्टेबल। जब आपको कंफर्टेबल है तभी आप बातें करें, ठीक है। आप थक जाते हैं तो ब्रेक लें, अपने दोस्तों अपने परिवार के सदस्यों को बताएं, और अपनी आवाज़ को थामने और आराम की ज़रूरत है ऐसा आप उनको बता सकते हैं, और आप चुप हो सकते हैं। डू नॉट स्ट्रेन योर वॉइस। आप अपनी जो आप आवाज़ निकाल रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेन ना डालें उस पर। ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए आपकी मांसपेशियों को। अपनी आवाज़ उठाने या चिल्लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यह आप घर में भी जो पेशेंट आइसोलेटेड रहते हैं उनको ये करना चाहिए। यदि आपको किसी का ध्यान आकर्षित करना है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आजकल फ़ोन तो सबके पास है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में है और फ़ोन नहीं है तो आप कोई भी चीज़ उससे साउंड कर सकते हैं और उससे उसका ध्यान आप अपनी तरफ डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द टेक रेस्ट। आप आराम करें, और अगर आपको, यदि आप करते समय सांस छोड़ जैसे छोड़ते समय आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है या ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत जो है आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। स्टॉप एंड सिट कामली वाइल फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग। आप आराम से बैठें और बिल्कुल अपनी जो आप सांस ले रहे हैं, आप नाक से सांस ले रहे हैं मुंह से छोड़ रहे हैं, उस चीज़ पे आप ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। इसमें आपको हम डिफरेंट चीज़ें बताएंगे कि आप अपना जो सांस लेने की प्रोसेस है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की भी हम एक वीडियो आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। अपनी आवाज़ का उपयोग करने के अभ्यास करें, और जैसे आप गाना गुनगुना सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको जो है ज़्यादा तनाव ना दें, लेकिन स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। यूज़ अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आप राइटिंग, टेक्स्टिंग, या फिर किसी अदर जेस्चर से आप बता सकते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सिप वाटर थ्रू आउट द डे। आप पानी पीते रहें पूरा दिन, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं। इफ़ यू आर आप वेंटिलेटर पे हो, अस्पताल में हो, तो आप देख सकते हैं आपको भोजन और जो पानी निगलने में कुछ कठिनाई हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निगलने में मदद करने के लिए पहले तो जो आपकी मांसपेशियां वो तो कमज़ोर हो चुकी हैं, तो पहले तो वेंटिलेटर आपकी मदद कर रहा था, वहाँ पे आपको डाला जा रहा था खाना वगैरह सब ट्यूब से। तो आप इसमें क्या करें, जूस या फिर बिल्कुल जो लिक्विड फूड होता है वो लेना शुरू करें जब आप हॉस्पिटल से जा रहे हैं। और इसमें आप एक ध्यान रखें, जो आपका आप जो निगलते हैं जो चीज़ें, वो आपके फेफड़ों में संक्रमण कर सकती हैं। ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जब आप भोजन या पेय गलत तरीके से ले रहे हैं, जैसे आप जूस पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, आप अगर उनको गलत तरीके से निगल रहे हैं तो वो आपके फेफड़ों में जा सकता है। इसके लिए आप अपने एक पोजीशन मेंटेन करें। यदि आप निगलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तो ये तकनीकी जो तकनीक हम बता रहे हैं, टेक्निक्स बता रहे हैं, वो आपको मदद कर सकती हैं। जब भी आप खाएं या पिएं तो सीधे बैठें। लेटते समय कभी भी खाना या पीना नहीं चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 30 मिनट तक सीधे बैठे खड़े हों या फिर टहलें, यह देखने के लिए क्या कुछ खाद्य पदार्थों का दूसरों की तुलना में निगलना आसान है। विभिन्न जैसे जैसे कुछ कुछ हार्ड रहते हैं, कुछ सॉफ्ट रहते हैं,
या फिर जैसे थिक या फिर थिन रहते हैं, तो उन उसमें आप अपना डिफ्रेंशिएट करें। यदि नरम और चिकना या नम खाद्य पदार्थों को चुनने में मदद कर सकता है, या ठोस खाद्य पदार्थों को बहुत छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, मतलब जैसे जो हार्ड चीजें हैं जो आप खा रहे हैं, जैसे आप चपाती खा रहे हैं, तो उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसको भी आप बार बार चबाएं। अपनी जो माउथ एक्टिविटी है वो आप ज्यादा करें, ताकि आपकी मांसपेशियों को जो है वो ज्यादा काम ना करना पड़े, आप ज्यादा थके ना। उसके बाद जब आप खाते या पीते हैं, तब ध्यान लगाओ कि आपका जो भोजन है वो बिल्कुल शांत जगह पे होना चाहिए। भोजन करते समय आप समय निकालें, भोजन के छोटे जो टुकड़े हैं वो लें, छोटी छोटी घूंट लें, साथ में कुछ पी सकते हैं आप, जो भोजन के बीच में आपको निगलने में सहायता करेंगे। सुनिश्चित करें कि एक जैसे आपने कुछ भी एक बाइट लिया है, उसको काटने के बाद घूंट और उस घूंट लेने के बाद आप अपना मुंह साफ रखें, और बार बार आप जैसे आपको 2 टाइम ब्रश जरूर करनी चाहिए। अगर आप पूरा खाना खाकर थक गए हैं, तो आप ऐसा करें कि एक बारी में जब आप खाना खा रहे हैं और आपको थकान महसूस हो रही है, तो आप क्या करें कि खाने को आप डिवाइड कर दें, जैसे कुछ छोटा छोटा पोर्शन आप पूरे दिन में खाएं। उससे आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी और आपका शरीर भी ज़्यादा नहीं थकेगा। अगर आपको इफ़ यू कफ और चोक और योर ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू ईट एंड ड्रिंक एंड टेक ब्रेक टू रिकवर, तो अगर आपको कफिंग है, चॉकिंग हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ब्रेक लें, ठीक है, और ईटिंग से, और कुछ थोड़ा सा आप पानी जो आप ले रहे थे उससे, और आप रिकवर करें। ईटिंग हेल्दीली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर रिकवरी, स्पेशली व्हेन यू आर वीक और हैव ऑन ए वेंटिलेटर। ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर एवरी मील एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड विल हेल्प टू मेक श्योर योर माउथ स्टे हेल्दी, क्योंकि हमारे जो माउथ से बहुत सारी बीमारियां हमें और भी हो सकती हैं। इफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कंटिन्यू टू बी डिफिकल्ट, कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू बिकम एक्टिव अगेन। मैनेजिंग एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग क्या है, जब आजकल क्या हो रहा है कि कुछ लोग ठीक हो जा रहे हैं, 10-15 दिन में ठीक हो रहे हैं, खास करके जो लेडीज हैं, तो वो ध्यान दें इस चीज़ पे कि अभी आप पूरा रिकवर नहीं कर पाए हो, जो आपकी बॉडी है वो पूरा रिकवर नहीं कर पाई है, तो आपको अपनी बॉडी को एक्सर्शन नहीं देना है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं देना, जोर नहीं डालना है। तो उसके लिए आप क्या करें, इट इज इम्पोर्टेंट टू बिकम एक्टिव अगेन। आप एक्टिव होइए, रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, बट दिस कैन बी हार्ड इफ़ यू फील वेरी टायर्ड। आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, ब्रिथलेस महसूस करेंगे, वीक महसूस करेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये आपको अनवेल कर सकता है दोबारा से। एवरीथिंग इंक्लूड वॉशिंग, ड्रेसिंग, प्रिपेयरिंग मील्स एज ऑल वर्क प्ले टेक्स एनर्जी, तो आप जो भी काम कर रहे हो उस वो एनर्जी ले रहा है आपकी, तो आप उसको टुकड़ों में बांट लें। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो आप उससे मदद जरूर लें, अगर आप आपका कोई हेल्प करने के लिए है तो। और एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशन कि मैं आज सारा काम कर लूँगी उससे बेटर है, या मैं कर लूँगा उससे बेटर है, कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करें। रियलिस्टिक गोल बनाएं बेस्ड ऑन योर वाट यू आर फीलिंग, कि आपकी जो तबीयत है वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग। वेन यू आर वेरी टायर्ड, ब्रीथलेस, वीक, इवन गेटिंग आउट ऑफ बेड, वॉशिंग, ड्रेसिंग कैन बी अचीवमेंट, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेव योर एनर्जी बाई डूइंग टास्क सिटिंग डाउन वेन यू कैन, सच एज वेन शावरिंग, ड्रेसिंग, प्रिपेयरिंग फूड। ट्राई नॉट टू डू टास्क दैट नीड यू टू स्टैंड, बैंड डाउन, रीच हाई, स्क्वैट और लॉन्ग टाइम, तो आप जितना हो सके आप काम करते टाइम आप बैठ जाइए, बैठ के आप काम कीजिए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप ब्रीथलेसनेस महसूस करें तो आप कुछ पोजीशंस मैंने बताई थी, अगर आप घर में भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप वो पोजीशंस अटेंड करें, आपको बहुत आसानी होगी। पेस योर सेल्फ, ट्राई टू डू लाइट टास्क बिटवीन हैवियर वंस, यू मे नीड टू लीव योर सेल्फ टाइम ड्यूरिंग द डे टू रेस्ट, लेट अदर हेल्प यू विद टास्क दैट यू मे स्ट्रगलिंग विद, थिंग लाइक केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, शॉपिंग, प्रिपेयरिंग मील्स, ड्राइविंग मे बी डिफिकल्ट। सो आप जो बच्चे, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप वो किसी को दे दीजिए, वो हेल्प कर दें आपकी, शॉपिंग है या फिर खाना बनाना है या ड्राइविंग है। एक्सेप्ट ऑफर्स
ऑफ स्पॉट एंड लेट पीपल नो दैट दे कैन हेल्प यू विद एंड सर्विसेज दैट कैन हेल्प विद एक्टिविटीज सच एज शॉपिंग कुकिंग मे ऑल्सो बी यूजफुल वाइल यू आर स्टिल रिकवरिंग. तो आप जब रिकवरी कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड हो पाए और उनको भी इससे बहुत फ़ायदा हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.